एंड टुडे वी कंटिन्यू द एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2, 2 एंड बी के पॉइंट है 2 और 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, ट्राई सेक्शन में डिवीजन था, सेम ऐसे ही मैं इस पार्ट को करूँगी और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करूँगी। लाइक डैट वी हैड गिवन डैट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, हमें गिवन है ए के पॉइंट है -2 और 2 एंड बी के पॉइंट है 2 और 8। ओके, नाउ हमें 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवीजन करना है। मैंने ये 4 इक्वल पार्ट्स में कर लिया, सी डी एंड ई। सेम वही इसके मैं पॉइंट्स कर लेती हूँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, अब हम इन दोनों से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा सेम वही फॉर्मूला है, रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। सी के रेशो क्या होंगे, 1 रेशो, इधर कितने पार्ट्स में डिवीजन है, 3। और डी के रेशो क्या होंगे, ये 2 पार्ट्स इधर हो गए, 2 पार्ट्स इस साइड में, तो ये रेशो हो गया। ई के रेशो क्या होंगे, 3 रेशो। अब हम इसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, पॉइंट्स ऑफ सी। सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, आपको सेक्शन फार्मूला क्या था, x1 फाइंड आउट करने के लिए हमारा वही फार्मूला, m इंटू x2 2 प्लस n3 इंटू -2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, देन 2 - 6/4, देन यू हैव -4/4, देन इट मीन्स -1। एंड y1 का सेम वही फॉर्मूला, 1 इंटू, हमारे पास y की वैल्यू है 8 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। 8 + 8 × 1 = 8, 3 × 2 = 6, 4, 14/4, देन इट मीन्स 7/2। देन डेट बी द पॉइंट ऑफ, किसके पॉइंट आ गए हमारे, सी के पॉइंट आ गए, पॉइंट ऑफ सी, सी के हमारे पॉइंट हो गए -1 और 7/2, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डी, डी के क्या थे, x2 y2। सेम वही करिए, x2 का फॉर्मूला, हमारा रेशियो क्या है, 2 × 2 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, देन 4 - 4/4, देन 0/4, देन हमारे जो इसके पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गए, 0। नेक्स्ट y2 का भी सेम फॉर्मूला, 2 × 8 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 + 2 = 4 है ना, 20/4, देन क्या आ गया, 5, 4 × 5 = 20, मैंने कट कर लिया। देन पॉइंट्स ऑफ डी, डी के हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 0 और 5, इज दैट क्लियर, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, 0 और 5 आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ ई, पॉइंट्स ऑफ ई, ई के क्या थे, x3 y3। सेम वही फॉर्मूला, हम पहले x3 फाइंड आउट करेंगे, x3 का हमारा रेशो क्या थे, 3:1 है, 3:2, 1 × -2 एंड 3 + 1, देन 6 - 2/4, 4/4, देन योर आंसर भी 1। ओके, y3 = क्या करेंगे, 3 × 8 प्लस 1 × 2, 3 + 1, देन 8 × 3 = 24 प्लस 2/4, 26/4, इट मीन्स 13/2, मैंने कट कर दिया 2 से। देन हमारे पॉइंट आ गए x3 y3 = 1 और 13/2। मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवीज़न किया, देखिए मैंने इसको क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को, ए एंड बी एक लाइन सेगमेंट थी जिसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न कर दिया, और मैंने इसको सी डी और ई के पॉइंट, सी के पॉइंट -1, 7/2 एंड डी के पॉइंट 0 और 5, और हमारे ई के जो पॉइंट्स थे वो आ गए मेरे 1 और 13/2। ठीक है, मैंने अब सब सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ दैट, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ दैट फाइंड द एरिया ऑफ द रॉम्बस इफ द वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर गिवन है, और हमें इसमें हिंट्स भी गिवन है, एरिया ऑफ द रॉम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ देखिए 10th क्वेश्चन, ये मैंने रॉम्बस ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी एंड डी,
ए के पॉइंट्स हमें गिवन है 3 and 0, बी के पॉइंट है 4 और 5, सी के पॉइंट है -1 and 4 एंड डी के पॉइंट है हमारे -2 and -1। नाउ हमें जो फॉर्मूला गिवन है हम उसी फॉर्मूले का यूज़ लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कौन से हो गए, ये हो गया, ये हो गया। सबसे पहले आप ए सी के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था ना क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या था, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। नाउ यूज इट, x2 मीन्स -1 - 3 होल स्क्वायर, y2 मीन्स 4 - 0 होल स्क्वायर, √-4² प्लस 4² देन आपके पास ये हो गया 16 + 16, इट मीन्स √32। √32 मीन्स √16 × 2 देन 4√2, ये आपका आ गया एक क्वार्ट यूनिट। ठीक है, ये मैंने ए सी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। नाउ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ बी डी, बी डी की फाइंड आउट करूँगी। सेम वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, रूट में x2 4 - -2 देन ये हमारा होल स्क्वायर हो गया 5 - और -1 होल स्क्वायर। देन हमारे पास ये आ गया 4 + 2 होल स्क्वायर + 5 + 1 होल स्क्वायर देन 6² = 36 + 36 √72 हो गया। √72 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 36 × 2 देन 6√2, ये हमारे पास आ गया सेकेंड यूनिट, मैं नाम दे देती हूँ उसको। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रॉम्बस, एरिया ऑफ 1/2 d1 × d2, ये आपका फॉर्मूला गिवन है 1/2, बाकी एग्जाम में हिंट्स नहीं गिवन होगा। 6√2 मैंने वैल्यू पुट कर दी, 6 × 4 = 24 × 2/2 देन 2 से 2 कट हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट क्यों, एरिया की ये यूनिट होती है स्क्वायर, देन डेट बी द योर आंसर। इज डेट क्लियर, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आप इस क्वेश्चन को एक बार घर पे भी अगेन सॉल्व करके देखें। नाउ क्वेश्चन मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में आज मैं सिर्फ ओनली आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर हमारे पास एक एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ है, ट्रायंगल के पॉइंट्स हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट्स गिवन है। देन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा, ये हमें ट्रायंगल गिवन है, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। ये ट्रायंगल इस तरह से गिवन भी हो सकता था कि आधा फर्स्ट में होता, आधा सेकंड में, थर्ड में भी हो सकता था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू जो होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव में। नाउ फॉर्मूला इज डेट 1/2 ब्रैकेट x1, ब्रैकेट से बाहर मैं x1 लिखूंगी, ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज। क्या है हमारा फॉर्मूला, 1/2 x1 फिर ब्रैकेट में y2 - y3 एंड x2 इनर ब्रैकेट में y3 - y1 फिर x3 एंड इनर ब्रैकेट में y1 - y2। ठीक है, ये हमारे पास है। इस फॉर्मूले को एक बार आज प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं आपको इसके बेसिस पे एक बार एग्जांपल करें, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।